अगर आपके घर में भी आप ये काम करते हैं जो गलत है पूरी तरह से, तो इसको करना बंद कर दीजिए। आपको बर्बादी आ सकती है, आपकी खुशियाँ लूट सकती हैं। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमा श्री। आज बेहद ख़ास जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं जो आपके बहुत काम का है। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को आज अगर आप पहली बार विज़िट करने आए हैं तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। इसको अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ बेहतरीन जानकारी ज्योतिष से संबंधित आपको दी जाती है। 25 वर्ष का अनुभव बोलता है, 25 वर्ष के अनुभव के आधार पे ये वीडियो बनाती हूँ मैं। आपको कामयाबी हर क्षेत्र में मिल सकती है और आपकी समस्याएँ भी दूर हो सकती हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, आपके घर का मंदिर अगर शुद्ध है तो आपको बरकत मिलती है, लेकिन मंदिर में कुछ अशुद्धताएँ होती हैं या विपरीत आप काम करते हैं तो आपको ज़बरदस्त हानि होने का संभावना बढ़ती है। क्योंकि ये घर का मंदिर हर किसी को नहीं बताना चाहिए। आपका मंदिर जितना गुप्त रखेंगे, जितना सीक्रेट रखेंगे, जितना पर्दा लगा के रखेंगे, आपको उतना ही अधिक लाभ होगा। मंदिर में एक से ज़्यादा संख्या में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रखने से आपको नुकसान हो सकता है, धन का नुकसान प्रबल तौर पर आपको हो सकता है। हनुमान जी की खड़ी हुई मूर्ति आपको मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। बैठी हुई मूर्ति आप रख सकते हैं, लेकिन वो आवश्यकता हो तो। अगर आपको हनुमान जी की फ्लाइंग वाली मूर्ति रखनी है तो आप बिजनेस स्थल पर रखते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। व्यवसाय स्थल पर हनुमान जी की पहाड़ उठाती हुई उड़ती हुई मूर्ति श्रेष्ठ होती है और उसको रखने से आपको अकेलापन महसूस नहीं होता। आपको लगता है कि एक दिव्य शक्ति आपका साथ दे रही है और सपोर्ट कर रही है। इससे आपके हर काम बिजनेस में बनते चले जाते हैं। दूसरी चीज़ है, भगवान गणेश की एक से अधिक मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, लेकिन एक तो मुख्य द्वार पे होते हैं रिद्धि सिद्धि के साथ में। दूसरे जो आपके भगवान गणेश मुख्य रूप में आपके ठाकुर जी समझकर आप भगवान को स्थापित करते हैं, यानी मुख्य प्रभु समझ के आप उनको स्थापित करते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। और लक्ष्मी जी के पाने के साथ जहाँ सरस्वती भी विद्यमान होती हैं उसमें भी आप गणेश जी रख सकते हैं, लेकिन डेकोरेटिव आइटम के रूप में गणेश जी ना रखें। गणेश जी को किसी को भी गिफ्ट में ना देवें, आपकी बर्बादी तय हो सकती है। अगर आप गणेश जी को गिफ्ट में विवाह के अवसर पर गिफ्ट देते हैं या मकान के मुहूर्त के अवसर पर गणेश जी को आप गिफ्ट में देते हैं तो आपको बर्बादी भुगतनी पड़ सकती है। एक ही घर में एक से अधिक मंदिर नहीं होने चाहिए। एक से ज़्यादा मंदिर होना विनाश का द्योतक होता है और आपको धन हानि प्रबल मात्रा में होने लगती है। जिस घर में विष्णु लक्ष्मी के जोड़े स्वरूप में पूजा होती है उस घर में धन आता है। जोड़ों के रूप में प्रभु की पूजा करने से आपको लाभ होता है। राधा कृष्ण की मूर्ति रखें, शिव पंचायत रखें, मतलब शिव पार्वती की और परिवार सहित मूर्ति रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं, आपको ज़बरदस्त लाभ मिलता है। विष्णु लक्ष्मी की पूजा आप करते हैं तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलता है। राधा कृष्ण जी की संयुक्त जोड़े के रूप में मूर्ति रखने वाले को बहुत श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। घर में प्रेम और सद्भाव बना रहता है और घर में कभी भी कोई आदमी नाराज होकर क्रोधित नहीं होता है। सुख शांति उस घर में वास करती है। अगर आपको पैसे की कामना है तो कुबेर भगवान का चित्र उत्तर दिशा में रखकर उनका पूजन आपको करना चाहिए। इससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। हमने कुछ शाबर मंत्र भी बताए हैं जिनको आप सिद्ध करके जप सकते हैं। हालांकि शाबर मंत्रों को कभी सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। कई लोग गलत सलत आपको बातें बताते हैं कि शाबर मंत्र का नाम नहीं लेते, लेकिन शाबर मंत्र बताते हैं कि इससे काम धंधा चल निकलेगा और वो शाबर मंत्र ही होता है। तो शाबर मंत्रों की यही खासियत होती है, इनको जब ज़रूरत हो आप जप सकते हैं और आपको फ़ायदा हो सकता है। तो याद रखिएगा, शाबर मंत्र हम आपको बताते हैं लेकिन उनको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती। हमने बहुत सारे वीडियो में शाबर मंत्र बताए हैं और ये भी आपको जानकारी दी है, तो इनको अवश्य ही जपिए। जिस घर में स्वर्णाकर्षण भैरव मंत्र का जाप किया जाता है वहाँ धन बहाने मार के नहीं, बिना बहाने के ही आने लगता है। आपको अपने मंदिर में विध्वंसक देवताओं की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। शिव का तांडव करती हुई मूर्ति या नटराज स्वरूप में उनकी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। अर्धनारीश्वर स्वरूप में या अन्नपूर्णा स्वरूप में भगवान की मूर्ति रखने से आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती है। गौरी शंकर रुद्राक्ष के उदाहरण करने से आपका धन स्थान पूरित होता है और अन्न धन की कमी भी आपके घर में कभी नहीं आती है। घर के मंदिर में रोज़ दिया बत्ती करना चाहिए, धूप देनी चाहिए, इससे आपकी बरकत बनी रहती है। घर के मंदिर में साफ़ सफाई रखनी चाहिए। घर के मंदिर में स्वच्छ कपड़े से झाड़ू लगाएं
या मोर पंख की झाड़ू आती है उसका प्रयोग कर सकते हैं झाड़ू लगाने में, तो आपको अत्यंत फ़ायदा होगा। छोटी झाड़ू भी मार्केट में आती है जो पूजा घर के मंदिर के लिए होती है, उसमें आप झाड़ू लगाएं डेली तो आपको लाभ होगा। लेकिन घर के जो मंदिर के भगवान होते हैं उनको स्वच्छ कपड़े से ही पहुंचना चाहिए और टाइम टू टाइम स्नान कराना चाहिए, तो उससे आपको फ़ायदा होता है। घर में काली माता की मूर्ति पूजा के लिए नहीं होती है, काली माता की मूर्ति आप जहाँ काली साधक हैं या काली उपासक हैं तब आप एक अलग कमरा बना के काली उपासना कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो आप देवी देवता रखते हैं घर के अंदर उसके अंदर गृहस्थियों को विध्वंसक देवी देवताओं की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। और काली माता की मूर्ति भी इसी श्रेणी में आती है, तो इससे आपको अलग व्यवस्था करनी चाहिए, घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। काली माता के से क्षमा मांगते हुए ये काम आपको करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर अगर आप हनुमान जी की मूर्ति लगा रहे हैं, तस्वीर लगा रहे हैं तो पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर श्रेष्ठ होती है। घर के अंदर आपको पंचमुखी हनुमान जी का चित्र नहीं लगाना है, मुख्य द्वार पर आप लगा सकते हैं। अगर आपका मुख्य द्वार साउथ वेस्ट की तरफ फेसिंग है या दक्षिण मुखी है आपका मकान, तो आप हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप वाला या सिंगल स्वरूप वाला भी चित्र लगा सकते हैं, मूर्ति लगा सकते हैं। आपको ज़बरदस्त लाभ होगा और आपके घर का तमाम वास्तु दोष मिट जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। आप हमसे परामर्श लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के जरिए संपर्क कर सकते हैं। हमें सिल्वर जुबली एक्सपीरियंस है, यानी 25 साल का अनुभव है। हमारा ये अनुभव आपके काम आ सकता है यदि आप हमसे परामर्श लें। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी हुई होती है, इसके थ्रू आपको संपर्क करना पड़ता है। एक छोटी सी सलाह आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है आप नहीं जानते। आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट में भी जाके हमारे पॉपुलर अपलोड चेक करा करिए, इनमें बहुत सारे मिलियंस में व्यू हैं जो आपको कामयाब बनाने में मदद कर सकते हैं और आपको सफलता दे सकते हैं जीवन में। तो आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।